नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे राम भक्तों के लिए जीआरपी पुलिस और सीआरपीएफ राम भक्तों को सुरक्षा दे रही है। राम भक्तों के लिए राम मंदिर के दर्शन करने के लिए चलाई गई आसर ट्रेन में पुलिस ने 6 टीमें बनाई है, जिसमें एक टीम में 10 पुलिस कर्मी रहते हैं। थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि जो भी राम भक्त दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, उनके लिए भोपाल से विशेष टीम जीआरपी की भेजी जाती है, ताकि उनको रास्ते में किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अगर कोई भी परेशानी होती है तो सभी भक्तों को टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश की सीमा खत्म होती ही यूपी पुलिस को भोपाल जीआरपी पुलिस राम भक्तों को उनकी सुरक्षा में दे देती है, और दर्शन करने के बाद वापस एमपी पुलिस अपनी सुरक्षा में लेकर भोपाल स्टेशन तक छोड़ती है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम की जय, जय श्री राम। सर, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और गार्ड उनके लिए बनाए जाएंगे, कितनी टीमें हैं और उन टीमों में कितने लोग हैं और क्या व्यवस्था रहती है, क्या पूरा? जैसा कि सभी को पता है, अयोध्या मंदिर जो बना है उसके लिए शासन की ओर से स्पेशल आस्था ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो पिछले जनवरी से शुरू हुई और अभी मार्च तक चलेंगी ये ट्रेनें। तो भोपाल चूंकि एक बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर ढेरों जो ट्रेनें जहाँ भी गुजरती हैं, ये जो इसी ट्रैक से होकर जाती हैं, इटारसी ट्रैक से होकर भोपाल बीना होते हुए झांसी, और वहाँ से फिर अयोध्या निकल जाती हैं। तो करीब रोज 6 से 8 ट्रेनें, जो स्पेशल ट्रेनें, वो भोपाल स्टेशन से आती हैं और यहाँ से जाती हैं। तो इसके लिए व्यवस्था ये है कि जब आस्था स्पेशल ट्रेन यहाँ आने वाली होती है, तो उसका एक प्रायर प्रोग्राम हमको मिल जाता है कि कितनी ट्रेनें एक दिन में आनी है। जैसे आज जो है 5 ट्रेनें आनी है, कल 6 आई थी, 8 ट्रेनें आई थी। इस तरह से हमें पहले से पता होता है कि कौन सी ट्रेनें कब आनी, उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म की व्यवस्था लगाई जाती है, क्योंकि यात्रियों को असुविधा ना हो, किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो, और ट्रेन में वो सुरक्षित रहे, रास्ते में भी घटना हो, इसके लिए स्पेशल गार्ड चलाई जाती है। तो हर ट्रेन के साथ जीआरपी से भी स्पेशल गार्ड चलती है, आरपीएफ से भी स्पेशल गार्ड चलती है, और ये स्पेशल गार्ड आने वाले हर अगले स्टेशन पर तक चलती है। जैसे अभी एमपी की गार्ड है जो हम जीआरपी भोपाल से ला रहे हैं, वो झांसी बॉर्डर तक चलती है, झांसी से फिर हम हैंडओवर करके वहां से दूसरी गार्ड लगती है। तो जाते वक्त भी और आते वक्त भी ये स्पेशल गार्ड्स लगातार रास्ता ट्रेन में चलाई जा रही है। एक 4 का फोर्स रहता है जनरली, तो स्पेशल गार्ड चलता है, 5 लोगों का फोर्स रहता है, पार्ट ट्रेन वो चलाते होंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।